गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आज जो हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं वो हम कक्षा 3 से बनाने के लिए जा रहे हैं। कक्षा 3 के किताब से हम वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं और हम हिंदी व्याकरण से ही बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें बच्चे हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए, हम पाठ 3 ही पढ़ेंगे कक्षा 3 से और पाठ 3। वाह क्या मज़ेदार। और क्या पढ़ेंगे बच्चे? शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए सुनते जाइए। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है दो बच्चे का। किसका चित्र बना हुआ है? दो बच्चे का चित्र बना हुआ है जिसमें दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, शब्द के ऊपर बातें कर रहे हैं। किसके ऊपर बच्चे बातें कर रहे हैं? शब्द के ऊपर बातें करते हैं। तो देखिए इस बच्चे का नाम क्या है? वरुण। और इस बच्चे का नाम क्या है? सुमित। पहले वाले देखिए, यहाँ पे पहला नंबर है और यहाँ पे दूसरा नंबर है। तो पहला नंबर वाले बच्चे का नाम है वरुण और दूसरे वाले नंबर पे जो बच्चे है उसका नाम है सुमित। ठीक है, अब देखिए तो वरुण पूछ रहा है, वरुण बोल रहा है सुमित को, क्या तुम बता सकते हो शब्द कैसे बनते हैं? कौन बोल रहा है? वरुण बोला सुमित से। देखिए ये बच्चा बोला सुमित से, क्या तुम बता सकते हो शब्द कैसे बनते हैं? ठीक है, अब सुमित बोला वरुण से, हाँ शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से, शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। इस बच्चे ने प्रश्न किया, इसने उत्तर दिया कि शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। बच्चे आप अच्छी तरह से समझ में गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए आगे चलते हैं। अब वरुण पूछा फिर से सुमित से, कैसे? आश्चर्य से पूछा कैसे? फिर वरुण ने बताया सुमित को, सॉरी सुमित ने बताया वरुण को, ये देखो अब देखो वो बताएगा। अब ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब देखिए सुमित बता रहा है वरुण से, सुमित किससे बता रहा है? वरुण से। वरुण पूछा ना कैसे, तो सुमित ने बोला वरुण को, ये देखो। यहाँ पे देखिए बच्चे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क प्लस म प्लस ल, क्या हुआ? कमल। तो यहाँ पे कमल लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुमित ने अच्छी तरीके से बता दिया, किसको बताया? वरुण को। दोनों में बहुत ही अच्छी वार्तालाप चल रही है। किसके ऊपर वार्तालाप चल रही है? शब्द के ऊपर। और आप लोग भी ना क्लास में कुछ वर्क ले लीजिए, ढूंढ लीजिए, कोई किताब से कुछ प्रश्न उत्तर ले लीजिए, उस पर डिस्कस कीजिए, उस पर वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए, उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे वरुण और सुमित कर रहा है। ठीक है, मतलब काम की बातें करिए, पर काम की बातें करिए। काम की बातें करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें से ही सीखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब फिर वरुण पूछा सुमित से, देखिए तो क्या कोई भी वर्ण कहीं भी लिखने से शब्द बन जाता है? कोई भी वर्ण कहीं भी लिखने से शब्द बन जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। तो क्या कोई भी वर्ण कहीं भी लिखने से शब्द बन जाता है? वरुण किससे पूछा? सुमित से पूछा। अब देखिए दोनों कितने अच्छे से बात विचार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सुमित बताया, नहीं केवल यही वर्ण मेल शब्द कहलाता, नहीं केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका अर्थ होता है। कौन बोल रहा है? सुमित बोल रहा है। देखिए अभी सुमित बोल रहा है वरुण को कि नहीं केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, ये देखो अभी आगे चलिए। अब देखिए अब है यहाँ पर मा प्लस ना, क्या हुआ? ममन। और यहाँ पर है 8 नंबर पर है मा प्लस न, 8 नंबर पे है ममन, और 9 नंबर पे है प प्लस र प्लस ज, मतलब क्या हुआ? पड़ज। ठीक है, ये क्या हो गया? पड़ज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनका अर्थ नहीं है इसलिए ये शब्द नहीं है। अभी आप ही बताइए बच्चे, ममन का क्या अर्थ होगा? कुछ अर्थ होगा? पड़ज का क्या अर्थ होगा? कुछ अर्थ नहीं होगा। और वहीं पे पंकज अगर रहता तो अर्थ हो जाता, वहीं पे
ममता अगर होता तो अर्थ हो जाता ना, तो इसका अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। किसने कहा? सुमित ने कहा वरुण से। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह बच्चे क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जब आप किसी वर्ण को जोड़ेंगे तो वो अपने आप शब्द बनेगा। अब देखिए शब्द भेद, इसमें शब्द भेद भी पता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब यहाँ पे देखिए शब्द को दो भागों में बांटा गया।